हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गियर फ्लिक। आज हम यामाहा FZ V3 को कंपेयर कर रहे हैं होंडा CB हॉर्नेट 160R के साथ। पहले भी हमने FZ V3 को कंपेयर किया था इस सेगमेंट की कुछ और मोटरसाइकिल्स के साथ, पर किसी रीज़न की वजह से हम इसमें हॉर्नेट इंक्लूड नहीं कर पाए थे। पर आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हमारे पास कि आप ये कंपेरिज़न देखना चाहते हैं, तो लीजिए आपके सामने ये हाजिर है। शुरू करते हैं आज का कंपेरिज़न, कीप वॉचिंग। लुक्स की बात करें तो दोनों ही बाइक्स गुड लुकिंग हैं, और ये आप पे निर्भर करता है कि आपको इन दोनों में से कौन सी डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आती है। अगर हम हॉर्नेट को देखें तो इसकी ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी शार्प है। सामने एक LED हेडलैम्प अब इसमें आता है जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, और इसकी जो बिकिनी फेयरिंग है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन की है। एक वाइज़र भी इसमें आता है जिसके वजह से इसके ओवरऑल प्रोपोर्शंस काफ़ी टॉल लगते हैं इस बाइक के। अगर आप इसके टैंक को देखें तो इसके भी लुक्स काफ़ी शार्प हैं, स्पेशली जो इसके ये श्राउड्स हैं जो बिल्ट इन हैं ये काफ़ी शार्प लगते हैं, और ये बड़े भी हैं साइज़ में। और जो टेल सेक्शन भी इसका रेक होता है ये काफ़ी शार्पली रेक होता है, तो एक जैसे मैंने कहा शार्प लुक इसमें आपको मिल जाएगा। और पीछे भी अगर आप देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक है। जो इसका टेल लैम्प है ये एक्स शेप में आता है, और ये LED का टेल लैम्प है ये। इसके जो अलॉय व्हील्स हैं ये ब्लैक कलर में आते हैं, और एक इंटरेस्टिंग ग्राफिक आपको इस पे व्हील पे मिल जाएगा। ओवरऑल इसके बॉडी पे भी काफ़ी सारे ग्राफिक्स आते हैं जिसकी वजह से इसका ओवरऑल जो अपील है या लुक है ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। एग्जॉस्ट भी इसका काफ़ी शॉर्ट और स्मार्ट लगता है, और इसके जो डिस्क ब्रेक्स हैं जो आगे और पीछे दोनों दिए गए हैं ये पेटल डिस्क ब्रेक्स हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, पर इनका फंक्शनल यूज़ भी होता है क्योंकि ये हीट को प्रॉपरली डिसिपेट करते हैं। इसके टैंक के टॉप सेक्शन पे आपको कार्बन फाइबर टाइप की फिनिश मिल जाएगी। सीट इसकी सिंगल पीस है, और जो इसके ग्रैब रेल्स हैं ये टू पीस हैं। इसका हैंडल बार थोड़ा फ्लैटिश किस्म का है तो एक स्पोर्टी फील आपको इसमें मिलता है। वहीं इसके आप फुटपैक्स देखेंगे तो ये थोड़े पीछे की तरफ सेट है, तो जो राइडिंग स्टांस आपको मिलता है ये थोड़ा सा स्पोर्टी मिलता है। स्विच गियर्स इसके स्टैंडर्ड हैं, पर इनकी क्वालिटी थोड़ी और बेहतर भी हो सकती थी। और इसमें इंजन किल स्विच नहीं आता है, उसकी जगह पर आप देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रेस सिग्नल आपको दिया हुआ है, यानी हैजार्ड वार्निंग का स्विच यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका फुल्ली डिजिटल है, और ब्लैक लेटरिंग में ये आता है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक और ट्रिप मीटर जैसे फंक्शन इसमें मिल जाएंगे। गियर पोजिशन इंडिकेटर इसमें नहीं आता है। होंडा CB हॉर्नेट में 162cc का इंजन लगा हुआ है, ये कार्बोरेटर वाला इंजन है, फ्यूल इंजेक्शन इसमें नहीं आता है। 14.9 BHP का इसमें पावर है जो 8500 RPM पे आता है, और 14.5 Nm का टॉर्क है जो 6500 RPM पे आता है। 5-speed का गियर बॉक्स लगा हुआ है इस बाइक में। अब इसका परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ये काफ़ी पंची इंजन है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट जब आप इसे स्टार्ट करते हैं, पिकअप लेते हैं, तो पिकअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलता है आपको, और ख़ासकर जब 4000 या 5000 RPM आप क्रॉस करते हैं तभी भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, और टॉप एंड परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस बाइक का। इंजन भी इसका काफ़ी स्मूथ है, बहुत रिफाइंड इंजन लगता है, पर सिर्फ जब आप हायर स्पेस को ले जाएं तब थोड़ा सा हार्श महसूस होता है इसका इंजन। ऐसा लगता है कि आप इस पर थोड़ा सा जोर डाल रहे हैं। अगर हैंडलिंग की बात करें तो CB हॉर्नेट की हैंडलिंग थोड़ी स्टिफ लगेगी आपको, यानी कि आप जब इसे कॉर्नर पे ले जाएं या टर्न करें या आपको सडन डायरेक्शन चेंजेस करने हैं तो आपको एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि इसकी हैंडलिंग ख़राब है, इसकी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, और लीन्स और कर्व्स पे भी अपनी लाइन भी मेंटेन करती है ये, पर थोड़ा सा एफर्ट आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है इसे हैंडल करने में। और अगर इसके राइड क्वालिटी की बात करें तो इसका जो सस्पेंशन है थोड़े से स्टिफर साइड पे है इसकी हैंडलिंग को कंट्रोल में रखने के लिए, और जो इसकी सीट है ये काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि इसके कॉन्टूअर्स अच्छे हैं, तो इसके जो सस्पेंशन की स्टिफनेस है उसको कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नलीफाई कर देती है। राइडिंग स्टांस इसका थोड़ा सा स्पोर्टी है, तो थोड़ा सा आपको आगे की तरफ लीन होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, वो एक स्पोर्टी स्टांस आपको मिलता है, बहुत स्ट्रेट या अपराइट स्टांस नहीं है इसका। इसका फ्यूल टैंक 12 लीटर का है, और इसका जो कर्व वेट है ये 141 kg। ब्रेक भी इसके काफ़ी एफिशिएंट हैं, इसमें आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स आते हैं, साथ में सिंगल चैनल ABS भी अब इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। CB हॉर्नेट के कंपैरिजन में अगर आप FZ को देखें तो इसके लुक्स ज़्यादा मस्कुलर हैं, और ये एक प्योरली नेकेड बाइक है तो आपको कोई बिकिनी फेयरिंग इसमें नहीं मिलेगी। एक हेडलैम्प का यूनिट है सिर्फ जो स्प्लिट है, और ये भी फुल्ली LED है। कोई वाइज़र आपको इसमें नहीं मिलेगा, और
जो इसका हैंडल बार भी आप देखेंगे तो ये भी फ्लैटिश है, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा रेज्ड है इन कंपैरिजन टू हॉर्नेट। जो इसका मेन लुक है वो इसके टैंक से आता है जो काफ़ी मस्क्यूलर है, जो इसके श्राउड्स हैं ये भी काफ़ी मस्क्यूलर है और एक बिग बाइक फील इस वजह से आपको मिल जाती है। इसके पीछे भी आप देखें तो जो रेयर सेक्शन है इसका, ये काफ़ी ब्रॉड लगता है सीबी हॉर्नेट के कंपैरिजन में। टैंक के ऊपर एक मैट ब्लैक सेक्शन आपको मिल जाएगा, इसमें भी सिंगल सीट यूनिट आता है और जो इसके ग्रैब रेल्स हैं ये जॉइंट हैं, टू पीस नहीं है। FZ का जो स्प्लैश गार्ड है ये एक स्टैंड अलोन यूनिट है, ये टेल में इंटीग्रेटेड नहीं है जिस तरह से हॉर्नेट है। और पीछे से अगर आप FZ को देखें तो इसका जो टेल लैंप है ये काफ़ी छोटा सा है और ये LED नहीं है। FZ का एग्जॉस्ट भी शॉर्ट है जिस तरह से हॉर्नेट का है, दोनों के एग्जॉस्ट काफ़ी सिमिलर लगते हैं एक दूसरे से। पर जो इसके डिस्क ब्रेक्स हैं ये पेटल वाले नहीं हैं, ये रेगुलर ड्रिल डिस्क हैं। FZ में कहीं आपको बॉडी ग्राफिक्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, काफ़ी क्लीन लुक है इसका। सिर्फ टैंक पे आपको FZ का लोगो मिल जाएगा और नीचे लिखा हुआ मिलेगा कि ये वर्जन 3 है। FZ की स्विच गियर क्वालिटी हॉर्नेट से ज़्यादा अच्छी है और इसमें इंजन किल स्विच भी आता है। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी फुल्ली डिजिटल है और इसमें भी आपको वही सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो हॉर्नेट में मिलते हैं। गियर इंडिकेटर इसमें भी नहीं आता है, पर इंटरेस्टिंगली इसके जो डिजिट्स हैं ये वाइट कलर्ड हैं। FZ का जो इग्निशन स्विच है ये फ्यूल टैंक में ही इंटीग्रेटेड है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। FZ V3 में एक और वर्जन आता है जिसे FZS कहते हैं और डिफरेंस यही है कि इसके जो टैंक के ऊपर जो ये ग्रिल दिख रहा है ये क्रोम में आता है और इंजन के नीचे एक काउल आता है। यामाहा FZ V3 में 149 cc का इंजन है पर ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है। इसमें 13 bhp का पावर है और 12.8 nm का इसमें टॉर्क है। ये भी एयर कूल्ड इंजन है और इसमें 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 12.8 लीटर्स की है। अब अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका जो एक्सेलरेशन है काफ़ी लीनियर है। हॉर्नेट की तरह आपको सडन एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा इसमें, पर पूरे पावर बैंड में लीनियर तरीके से मिलेगा। बहुत इजी गोइंग इसका परफॉर्मेंस है और यह सिटी राइडिंग के लिए काफ़ी एडिक्वेट है। और जहां FZ हॉर्नेट के ऊपर स्कोर करती है वो है हैंडलिंग और राइड। अब इसकी हैंडलिंग काफ़ी रिलैक्स्ड टाइप की है और ईजी है, यानी आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है इसको जब आप टर्न करें या लीन करें या इवन जब आप इसको स्टेशनरी पोजीशन में आप इसको आगे पीछे हिलाएं तो इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। राइडिंग पोस्चर भी इसका रिलेटिवली रिलैक्स्ड है अगर आप हॉर्नेट से कंपेयर करें तो। आप थोड़ा सा और स्ट्रेट इस पे बैठते हैं और ये ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। सस्पेंशन सेटअप भी FZ का थोड़ा सा सॉफ्टर है अगर आप हॉर्नेट से कंपेयर करें तो, इसलिए आप जब इसे थोड़े ख़राब सड़कों पर चलाएं तब आपको जो जर्क्स हैं या झटके हैं थोड़े कम महसूस होते हैं इन कंपैरिजन टू हॉर्नेट। एक ही ड्रॉबैक है FZ में और वो है इसकी सीट जो काफ़ी हार्ड है और अगर आप लॉन्ग आर्स में चलाएं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत उसमें हो सकती है। FZ V3 में भी सिंगल चैनल ABS आता है और फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स हैं और इसकी ब्रेकिंग काफ़ी श्योर फुटेड है, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है एंड इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। अब दोनों बाइक्स के वेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अराउंड 4 kgs का फ़र्क है। FZ का वेट 137 kgs है और हॉर्नेट का 141 kgs है, लेकिन जब आप इन दोनों को राइड करें तब हॉर्नेट ज़्यादा हैवी लगती है क्योंकि मेरे हिसाब से जो वेट मैनेजमेंट है वो FZ का ज़्यादा बेटर है और ये ज़्यादा हल्की लगती है ओवरऑल हैंडलिंग में। तो इन दोनों में से कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए? अगर इनके प्राइसेस को देखें तो ये दोनों इवनली मैच्ड हैं और इनकी एग्जैक्ट एक शोरूम प्राइसेस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन को रेफर कर सकते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, स्पेशली मिड रेंज या फिर टॉप एंड परफॉर्मेंस, तो सीबी हॉर्नेट आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। पर अगर आपको ओवरऑल कम्फर्ट चाहिए डेली यूजेज के लिए और एक ईज़ ऑफ हैंडलिंग चाहिए तो आपके लिए FZ एक बेटर चॉइस होगी। वैसे इन दोनों में से आप जो भी बाइक चूज़ कर रहे हैं आपकी चॉइस गलत नहीं होगी। ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ये भी बताइए कि इन दोनों में से आप कौन सी बाइक खरीदना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, गियर फ्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।